कश्मीर की बाढ़ हो या केरल की, उड़ीसा का साइक्लोन फनी हो या मुजफ्फरनगर के दंगे, आपदा प्राकृतिक हो या इंसान की बनाई हुई, त्रासदी के पीड़ित हो या गरीबी के, हर जगह हर मौके हर हालात पर इनका हाथ थामने पहुंचते हैं कुछ लोग, इनकी बिखरी जिंदगियों को समेटने और वापस पटरी पर लाने। ये लोग हैं गूंज के वॉलंटियर्स और इनके काम में इस्तेमाल होता है हमारे आपके घरों का बेकार का सामान। गूंज इस सामान को भी नई जिंदगी देता है और लाखों जरूरतमंदों को भी। हम और आप तो शायद सोच भी नहीं सकते कि हमारे घर का पुराना सामान, कपड़े, चप्पल, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इस सामान से लाखों लोगों की जिंदगी बदली जा सकती है, बेहतर बनाई जा सकती है, और वो भी उन लोगों को पूरा सम्मान देते हुए। इस बात को सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि करके भी दिखाया गूंज के संस्थापक अंशु गुप्ता ने। अंशु, ये बताइए, क्या या कौन है गूंज? गूंज एक आंदोलन है, एक आइडिया है, एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा है। मुझे नहीं अच्छा लगता जब कोई हमको संस्था बोलता है क्योंकि हमारे दायरे नहीं है। हम बहुत बार कहते हैं कि हम वायरस की तरीके से हैं, बट फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि हम शायद पॉजिटिव वायरस हैं। हमारे लिए धर्म का, बाउंड्री का, रिलीजन का, वो सब कोई मतलब नहीं है। जहाँ इश्यूज हैं और जहाँ हमको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं अपने इस दायरे में, हम वो करें। तो देखिए, गलतफहमी तो ये है गूंज के बारे में कि हम कपड़े इकट्ठे करके बांटने का काम करते हैं। ये सारी दुनिया, जो भी हमें लोग जानते हैं, वो सोचते हैं। और सच्चाई ये है कि हमने कपड़े से लेके बहुत सारे सेकेंड हैंड सामान को या नए सामान को, जो लोगों को भी नहीं चाहिए, हमने उसको एक बहुत बड़े करेंसी, टूल, रिवॉर्ड में कन्वर्ट किया है। हमने उसकी सहायता से चैरिटी के पूरे कॉन्सेप्ट पे डेंट मारने की कोशिश की है, क्योंकि हमने कहा कि चैरिटी से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला है। चैरिटी इंसान की डिग्निटी को ख़त्म करती है, और सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों के लिए हमारी डिग्निटी, हमारा आत्मसम्मान है। जो जितना मेरे और आपके लिए ज़रूरी है, उतना ही वो एग्जैक्टली उस इंसान के लिए भी ज़रूरी है जो अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता। गूंज की जो सच्चाई है वो ये है कि गूंज हार्डकोर रूरल डेवलपमेंट का, वाटर का, सैनिटेशन का, हेल्थ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक आइडिया है जिसपे, तो हम इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जो मटेरियल पॉवर्टी है, जो सामान की वजह से आप पूरे उधार के साइकिल में डूबते हैं, एक तो आप उससे बच जाते हैं, और दूसरा एक ऐसे बहुत सारे हज़ारों काम हो जाते हैं जो अदरवाइज़ कागज़ों में पड़े रह जाते हैं, कि गाँव की सड़क नहीं बनी, गाँव में कुआं नहीं खुदा, या तालाब खुदा, माना नरेगा में भी था तो 100 दिन पूरे हो गए और वो काम अटक गया, तो क्या अब हम उसमें थोड़ा सा और मेहनत करके उसमें पानी निकाल सकते हैं? क्योंकि ये टास्क ओरिएंटेड है, ये मतलब ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ दिन किया और छोड़ दिया। और इसमें आप गांव के लोगों को ही इन्वॉल्व करते हैं? हज़ारों लाखों लोग। कोई गाँव ये कहता है कि मुझे सड़क पर काम करना है, कोई कहता है कि मुझे अपना तालाब साफ करना है, कोई कहता है कि नहीं मुझे पानी का साधन चाहिए तो मुझे कुआँ खोदना है, तो वो उस पर काम करते हैं। तो गूंज की शुरुआत कब और कैसे हुई? मैंने IMC का प्रोडक्ट हूँ और मास कम्युनिकेशन किया, और देहरादून से आया था। पुरानी दिल्ली में एक बार घूम रहा था तो ऐसी एक रिक्शा दिखी, हबीब भाई चला रहे थे उसको, और पता लगा कि वो हबीब भाई का जो फुल टाइम काम था वो लावारिस लाशों को उठाना था। अनक्लेम्ड डेड बॉडीज उठाते थे, क्योंकि तमाम बड़े शहरों की तरह दिल्ली में भी बहुत सारे होमलेस लोग हैं, और दवा की कमी से, केयर की कमी से लेके भूख से, ठंड से लोगों की मौत होती है, और हर डेड बॉडी पर उनको 20 रुपये और 2 मीटर कपड़ा मिलता था। और फुल टाइम प्रोफेशन था हबीब भाई और उनकी ब्लाइंड वाइफ आमना जी। तो मैंने एक हफ्ता निकाला, सुबह सुबह पहुँच जाता था, क्योंकि सुबह उनके पास सबसे ज़्यादा खबरें आती थी, रात को ज़्यादा मौत होती हैं। तो पार्क में खेलता हुआ बच्चा है, बुजुर्ग है, PCR वैन है, आया करते थे और उनको बोलते थे कि मुला जी या दादा यहाँ पे लाश पड़ी है, वो अपना निकल जाते थे और ले आते थे। तो जब उनसे एक हफ्ता जब उनके साथ निकला, मैंने न जाने किस किस तरह की डेड बॉडीज़ देखी,
उस एक हफ्ते के अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज देखी जो ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था। तो बातचीत में दो चीज़ें निकली। एक, हबीब भाई ने ये कहा था कि जाड़ों में मेरा धंधा बढ़ जाता है और कभी कभी इतना काम होता है कि मुझसे संभलता नहीं, और सोचे काम है लाशें उठाना। तो पता लगा कि हर 24 घंटे के अंदर वो 10 से 12 डेड बॉडीज उठा रहे थे, और गर्मियों में वो 4 से 5। तो मुझे ये लगा उस समय, तो ठीक है एक शॉकिंग स्टेट चीज़ थी, बट बाद में ये एहसास हुआ कि यार एक्चुअली ठंड तो नहीं मार रही लोगों को, क्योंकि ठंड मारती तो मैं कैसे ज़िंदा रह गया। ये तो कपड़े की कमी है जो लोगों को मार रही है। उनकी बेटी थी 5-6 साल की रही होगी, कनीज बानो नाम था उसका, अब तो नहीं रही वो भी, उसकी भी डेथ हो गई अभी कुछ साल पहले। उसने बड़ा एक शॉकिंग सा स्टेटमेंट दिया, बोलती है कि जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती हूँ। फिर कहती है लाश तंग नहीं करती, लाश करवट नहीं बदलती। तो ऑब्वियसली मैं तो शॉक्ड था, और एक बड़ी खूबसूरत सी हिंदी की मैगजीन होती थी उस समय में, मृणाल पांडे जी एडिट करती थी उस समय, साप्ताहिक हिंदुस्तान करके, तो मैंने उसमें 2 पेज की एक स्टोरी की, टाइटल था उसका लाश को ढोती जिंदा लाशें। उसके बाद मैं बीच बीच में हबीब भाई से मिलता रहा, लेकिन ये चीज़ बॉदर करती रही। और आई थिंक ऐसा हो गया था मेरे साथ में कि जैसे होता है ना कि आपको एक दिशा या दर्शन मिला हो। फिर 98 में छोड़ा, मैं स्कॉट्स में था, और मीनाक्षी ने, मेरी वाइफ, वो उस समय BBC में थी, तो मैंने छोड़ा। और 67 कपड़े हम लोगों ने घर से इकट्ठे किए, 3 साल हुए थे मैरिज को, तो कोई भी ऐसा चीज़ जो इस्तेमाल नहीं हो रही थी, तो मुझे लगता है वो जरी की साड़ी और मेरी शेरवानी वेरवानी जो भी कभी शादी में पहनी होगी उसको छोड़ के हम लोगों ने 67 सामान निकाला, कपड़ा जूता होता, और उससे गूंज शुरू हुआ। कुछ नहीं पता था क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले, कोई दूर दूर तक खानदान में किसी ने किया नहीं है, और हमें ये भी नहीं पता था कि इसको रजिस्टर कराना होता है। कहीं जाके फरवरी 99 में रजिस्टर हुआ है। आपके लिए एक मैसेज है। हेलो सर, आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला। आपके साथ काम करना मेरे लिए एक यादगार अनुभव है और हमेशा रहेगा। काम के प्रति आपका जुनून मुझे आज भी अपने कामों को और बेहतर करने के लिए इंस्पिरेशन देता है। बहुत सीखा है आपसे। थैंक्स वंस अगेन मुझे ज़िंदगी में चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखना सिखाने के लिए। ये बहुत इमोशनल है, क्योंकि अब तो ठीक है, अब आप एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, और हम उस दौर से गुजरे हैं जब 2003 तक हम लोग घर से ऑपरेट करते थे, और मतलब टेलीफोन के देने के भी पैसे नहीं होते थे, क्योंकि जॉब छोड़ दिया था, कुछ हज़ार रुपये PF था, और लॉजिस्टिक्स का काम है ये, तो मतलब लोगों को तो ये नहीं समझ आता जब वो सामान देते हैं, तो उनको ये नहीं समझ आता आज भी कि भाई ये यदि आप मुझे एक टी शर्ट दे रहे हैं तो यहाँ तो कोई पेड इंसान पेड जगह पर बैठ के छाटेगा और पेड ट्रांसपोर्ट से जाएगा, तो वो इतना सा PF कब ख़त्म हुआ पता नहीं लगा, और सामान बढ़ता चला गया। तो 2003 तक तो घर से ही ऑपरेट किया, मतलब हमारे यहाँ तो शायद पहली चेयर भी न जाने कब आई होगी, तो बहुत स्ट्रगल का एक दौर रहा। और ये कुछ लोग जैसे यास्मीन है, और भी बहुत लोग, रुचिका हैं, फिर बाद में इमरान आए, बहुत लोग आए, ये उस समय के साथी लोग हैं। अच्छा है कि हम उस दौर से गुजरे, अच्छा है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, अच्छा है कि हम, ऐसा नहीं था कि किसी ने भर के हमारे हाथ में डाल दिया हो, क्योंकि हमें शायद जो हमारी पर्सनल ज़िंदगी का भी एक बात है, उसी तरीके से शायद ऑर्गेनाइजेशन में भी हमको एक एक चीज़ की कीमत मालूम है। और रास्ते में फिर कई लोग आपके साथ जुड़ते रहे एज वॉलंटियर्स, किसी तरह से लोगों ने हेल्प करी आपकी? हाँ, बहुत लोग, मतलब मैं तो हेल्प शब्द तो मैं ना कभी इस्तेमाल ही नहीं करता, ना मैं ये कहता कि किसी ने हमारी हेल्प की, ना हम ये कहते कि हमने किसी की हेल्प की, बट ये है कि ये सफ़र है ना, ये ज़िंदगी है, इसमें हम सिर्फ कुछ छोटा मोटा कर सकते हैं जो कर रहे हैं, बाकी तो लोग अपने लिए खुद ही करते हैं। चलिए मैं आपको एक मैसेज सुनाना चाहती हूँ। अंशु गुप्ता को ही सच्चा कर्मयोगी कहा जा सकता है, इससे पहले कि उसकी टीम या उनके वॉलंटियर्स, गूंज बहुत बड़ी संस्था है,
तो इसके पहले कि उनकी टीम और वॉलंटियर्स कहीं जाके पहुँचे और कुछ काम करें, अंशु तो पहले ही पहुँचा हुआ होता है। कहीं भी देखिए, कोई भी नेशनल ट्रेजेडी हो, कभी भी अंशु गुप्ता इज़ देयर फर्स्ट। अब इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है, लीडर हो तो वर्कर है पहले, फिर लीडर है। गूंज संस्था उसने ज़रूर शुरू की है, लेकिन गूंज मीन्स अंशु। दैट्स ऑल आई कैन से, थैंक यू। रिंदु जी को मैं, मुझे याद है कि आई थिंक हमारी पहली वॉलंटियर मीट आज से कोई 17-18 साल पहले, जब भी हुई होगी 15 साल पहले, वो उनके घर पे हुई थी। तो वो तब से जुड़ी हुई हैं और अभी तो खैर मैं तो रेगुलर मिल भी नहीं पाता हूँ, एनिवर्सरी टू एनिवर्सरी मुलाकात हो जाती है। बट मानना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे लोगों को मानना पड़ेगा कि वो भी अपनी पर्सनल पोजीशंस में, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कहीं के कहीं पहुंच गए हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग थे जो जब हमसे 20 साल पहले 18 साल पहले मिले थे तो कहीं के सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे और आज शायद वीपी सेल्स होंगे, लेकिन उनका वो मोहब्बत और वो रिश्ते आज भी कायम हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक घर से एक कार्टन कपड़े आपके पास आए हैं, तो उसके बाद उस कपड़े के साथ क्या होता है जब तक वो किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचता है? पहली बात तो ये है रिचा कि कपड़े तक लिमिटेड नहीं है, जैसा मैंने कहा कि ये कपड़ा उसका एक पार्ट है। हम जूते चप्पल कपड़े से लेके पुराने डोर विंडो फर्नीचर तक कोई भी ऐसी चीज़ जो रीयूज़ हो सकती है वो हम इस्तेमाल करें, इवन पुरानी टाइल्स, वॉश बेसिन और पाइप फिटिंग तक ये आता है। फिर ये बहुत रिग्रस सॉर्टिंग प्रोसेस से निकलता है, फिर उसकी नीड मैच करने की कोशिश करते हैं कि किस स्टेट के लिए हम लोग कोई भी फैमिली किट बना रहे हैं। और ना सिर्फ फैमिली किट, उसमें बहुत सारी किट्स हैं, फैमिली किट है, आंगनवाड़ी है, मैरिज किट है, तमाम तरह की किट है। फिर जो नॉन यूजेबल मटेरियल है, तो स्पेशली क्लॉथ की यदि मैं बात करूँ, तो उसको हम लोग बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो पुरानी जीन्स स्कूल बैग बन जाती है, पुराना कॉटन का कपड़ा माई पैड यानी कि सैनिटरी पैड जो गूंज बनाता है वो बन जाता है, यदि हॉजरी की कोई टी शर्ट है तो वो अंडरगारमेंट बन जाती है। तो वो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी है और एनवायरनमेंट का भी काम है, तो वो सब होता है। इसके बाद जो असली काम शुरू होता है वो फिर गाँव में होता है। गाँव में हम लोग कई सौ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, डायरेक्ट टीम के साथ में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कुछ जगह पे इवन इंडियन आर्मी की या बीआरओ की यूनिट्स के साथ भी काम करते हैं। और वहाँ पर फिर हम लोग गाँव के लोगों को से बातचीत करके और ये चीज़ें निकालते हैं कि गाँव में कौन से काम हैं जिसकी इमीडिएट ज़रूरत है। तो क्या सड़क की ज़रूरत है या तालाब की ज़रूरत है या कुआं खोदना है, जो भी करना है गाँव के लोग उसमें शामिल होते हैं। और कुछ दिनों के काम के बाद बहुत ही इज्जत के साथ में वो पूरी फैमिली किट लेते हैं। तो चैरिटी बिल्कुल नहीं है। जैसे माना आप किसी को एक उठा के पैंट दे दें, अगले दिन पैंट पहना होता है, आप कहते हैं पैंट मेरी है, वो कहेगा भाई आपकी होगी, मैंने कमाई है। तो वो लैंग्वेज बदलती है, वो नरेशन बदलता है, वो चैरिटी बची नहीं आपको, वो आप पैंट पहन के आपको गर्व है क्योंकि आपने कमाई है, आपने उसको चैरिटी में नहीं लिया, तो आपका वो दीनहीन वाला मामला नहीं है। और इसी बीच अगर कहीं देश के किसी हिस्से में प्राकृतिक आपदा आ जाती है तब भी गूंज सबसे पहले वहाँ पहुँच जाता है। हाँ, हम लोग लार्ज स्केल पे काम करते हैं। 2013 का जो उत्तराखंड का फ्लड्स था वो बहुत बड़ा आई ओपनर था, और जिस तरीके से पूरे देश ने हम पर ट्रस्ट किया, मतलब ट्रस्ट का किया, पूरे देश ने हमारे हाथों में सौंपा, वो एक बहुत बड़ी बात थी। मतलब इतना सामान और पैसा और इतने वॉलंटियर्स, हमको लिटरली हमारे लिटरली सारे सिस्टम कोलैप्स हो गए थे। हमारे पेमेंट गेटवे उतना हैंडल नहीं कर पा रहा था, हमारे स्टोर्स में उतनी जगह नहीं थी। बट आज हम उत्तराखंड के कई सौ गाँव में काम करते हैं, करीब 250-300 लोगों की फुल टाइम टीम है पूरे उत्तराखंड को यदि मैं मिलाता हूँ, यहाँ पे काम हो रहा है। बट डिज़ास्टर का जो इनिशियल फेज़ होता है, 2-4 महीने का जो एक्सप्लोरेशन का होता है और नीड बेस होता है कि जहाँ जो ज़रूरत है वहाँ पहुँचाओ, तो वो हम पहुँचाते हैं उस तरीके से। तो ये सच है कि गूंज के बहुत सारे जो फील्ड के ऑपरेशंस हैं वो डिज़ास्टर की वजह से शुरू हुए, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो और चाहे वो अभी केरला हो, चाहे उत्तराखंड हो, लेकिन उसके बाद हमने उसको सस्टेन किया और हमने कोशिश की कि हम और डेप्थ में धीरे धीरे जाते चले गए, आज वही हो रहा है। एक बात बताइए अंशु, जब इस तरह के काम में आगे बढ़ते हैं तो फैमिली क्या बोलती है कि क्यों करना है ये सब, एक कंफर्टेबल लाइफ, आप जर्नलिस्ट हैं, आप भी लीड कर सकते थे। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो ये आपका अपना कीड़ा है, आपका
आपका अपना जुनून है तो वो होना ही है। और दूसरा, आप कई बार आप किस्मत वाले भी होते हैं, तो जैसे मैं हूँ, क्योंकि मीनाक्षी जिनको सब मिनी दी बोलते हैं यहाँ पे, वो बहुत बड़ी सपोर्ट है, मतलब एक स्पाइन की तरह से, एक रीढ़ की हड्डी के तरीके से, और बहुत ही शांति से दूर बैठ के करने वाले। जब वो बीबीसी में नौकरी कर रही थी तो बहुत समय तक वो कमा रही थी और मैं खर्च कर रहा था। और एक ये भी रहा कि देखिए, ये बात मैं कई बार बोलता हूँ लोगों को, स्पेशली यंगस्टर्स को और उसको, कि आपके अपने कन्विक्शन पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, कि आपकी कितनी बड़ी ज़िद्द है और आपको अपने आइडिया पर कितना विश्वास है। बिकॉज लॉजिक इज़ ऑफन यू नो समथिंग विच इज़ फॉर नॉट डूइंग समथिंग। लॉजिक जो है वो बहुत बार ना करने का बहाना है। करने वाले लोग लॉजिक नहीं ढूंढते, करने वाले लोग कहते हैं कि अब कीड़ा है, मुझे करना है तो करना है, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो आप यदि अपनी फैमिली से आप वो फेथ, वो विश्वास ही अर्न नहीं कर पा रहे, तो वो भी दिक्कत है। चलिए आपको दो मैसेज और सुनाते हैं। Hi Dad, I just want to tell you how absolutely incredibly blessed I am to have been your daughter, and it's such a treat to watch you every single day be this passionate about what you do, and everything that you are proud of in me today is what you have given me, and I know that sometimes you feel guilty that you don't give me enough time, but I want to take this time to tell you that it's not the case, and you have given me so much more than just your time, and I'm going to continue to try and make you proud, and yeah, I love you very much. अच्छा, तुम आज मुझे स्क्रीन पे देख के थोड़ा हैरान तो होगे, मगर ये सरप्राइज़ तुम्हें देना चाहती थी, और थैंक यू टू रिचा कि उन्होंने मुझे मौका दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी दुआ रहेगी हमेशा कि तुम्हारे सपने, तुम्हारी सोच के उड़ान हमेशा ऊंची हो, और तुम्हारी जो अपने देश के प्रति निष्ठा है, अपने देश के प्रति जो प्यार है, वैसे ही बना रहे। तुम अपने सपने जो देश के लिए देखते हो उनको पूरा कर पाओ, पर उसमें एक छोटी सी चीज़ कि तुम अपना ख्याल रखो, क्योंकि जो भी तुम करना चाहते हो उसमें तुम्हारा स्वस्थ होना, ठीक होना बहुत ज़रूरी है। यही मैसेज है मेरा। तो ये तो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, मतलब हर जगह खड़े होना साथ में, और हर सपने पे भरोसा रखना और साथ में जीना। और मैं तो लाइमलाइट में हूँ, मैं बड़ा, आप भी मुझसे आके बात करते हैं, सब मुझसे आके बात करते हैं, अखबारों में भी मैं ही छपता हूँ। ये वो इंसान है जिन्होंने जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ पूरी तरीके से, जो जिन्होंने इस चीज़ को लाइफ का हिस्सा बना लिया है कि 15 से 20 दिन मैं ट्रैवल करूँगा। और कभी कभी मस्ती में मुझे बोलती हैं कि तुम जहाँ जाते हो तो वहाँ से फ़ोन कर दिया करो कि तुम हो कहाँ। मैं और मेरी टीम तो कोई ट्रेंड लोग नहीं है, हम लोग फौजी लोग नहीं हैं, हमारी तो कभी एक दिन की भी कोई डिज़ास्टर की ट्रेनिंग नहीं हुई। हम लोग तो बाथटब में डूब के मर जाएँ तो फ्लड में क्या करेंगे, पर उसके बाद भी हम जाते हैं और पहले ही पहुँचे होते हैं उन सारे रिस्की एरियाज़ में, जिनकी खबरें देख देख के सारा देश परेशान हो रहा होता है। वहाँ पर आपका अपना इंसान शहर से उठ के चला गया है उस डिज़ास्टर के बीच में। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं समझता नहीं हूँ उस चीज़ को कि वो कितना टफ़ होता होगा एक वाइफ होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक फैमिली होने के नाते, बट शायद वो सब हिस्सा बना है लाइफ का। और बहुत बार ऐसा लगता है कि मेरी बिटिया कॉलेज में आ गई, अब तो सेकेंड ईयर ही हो गया, और वो बहुत ज़्यादा यादें नहीं हैं उन, मतलब हैं बट नहीं हो पाया समय, मतलब आप इमेजिन कीजिए कि जब वो टेंथ में, उस टेंथ के बाद उसने स्कूल चेंज किया अपना, और तो मैं 11th 12th के मिड, डेढ़ साल तक मुझे ये नहीं पता था कि वो स्कूल एग्जैक्टली है कहाँ। और डेढ़ साल के बाद मैं जब उस स्कूल में गया तो मैं किसी प्रोग्राम का चीफ गेस्ट बन के गया था। सोचिए, तो होता है दुख कभी कभी लगता है, बट ठीक है। देखिए ऐसा है कि कुछ भी लाइफ में एक लेवल के बाद हमेशा एक चीज़ एक कॉस्ट पे ही आती है, तो वो मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मेरी फैमिली और मेरे बहुत सारे करीब के लोग वो सपने का हिस्सा हैं। उनको ये मालूम है कि ये पागल है,
और ठीक है, इसको इसके पागलपन में ही सपोर्ट कर देते हैं, तो ये भी एक बड़ा चॉइस नहीं है पता नहीं चॉइस है कि नहीं है, बट मैं कहता हूँ एहसान है उनका मुझ पर, ये उनका एहसान है कि भाई आप ये कह रहे हैं कि चल तू अपना जी ले, तू अपनी जिंदगी जैसे जी। अंशु, अगर मैं पूछूँ, इतने लंबे गूंज के सफ़र में कोई लम्हा जब आपको लगा हो कि मैं नहीं कर सकता, मैं हार गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ, उस काम को? कॉन्फिडेंटली नहीं, नेवर इन माई लाइफ। मैं रिजेक्शन से सीखता हूँ। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन रिजेक्शन और हार्डशिप्स हैं, और मैंने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा कि मैं इतनी किस्मत वाला हूँ कि दुनिया का सारा अच्छा मुझे मिलेगा और बुरा पड़ोसी को। ये एक कर्व है। बहुत मौके आए ऐसे कि जब हम बहुत टफ दौर से गुजरे, मतलब राइट फ्रॉम उस ज़माने से कि जब हम पे गोलगप्पे खाने के पैसे नहीं थे, जबकि मिनी अर्न कर रही थी, बट उसके बाद भी नहीं हो पा रहा था मैनेज वो से लेके, और पर्सनल लाइफ में सडनली माँ का चले जाना या वो सब जब होता है तो आपको कुछ नहीं होता, आपको बैठ के आप पछताते रहते हो कुछ, बट फिर कहते हो कि नहीं चल यार अब जो है वो है। बट मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे एक छोटा सा आपको बताता हूँ जो हम लोगों के लिए गूंज में बहुत बड़ी बात रही। 2015 में जिस साल मैगसेसे मिला था, तो उसी साल में दिवाली के दिन हमारे यहीं पर करीब एक बहुत बड़ा गुड सेंटर है, करीब 3,500 स्क्वायर फिट का, 20 फिट ऊंचा। 6 बजे करीब दिवाली के में एक पटाखे से उस पर आग लगी और सुबह 2 बजे तक आग चली और 10 फायर ब्रिगेड थे, और यदि आप उसकी तस्वीरें देखें तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हम में से किसी के घर में दिवाली नहीं हुई, हम सारे लोग इसी गली में थे, और एक एक चीज़ पे आप इतनी मेहनत करते हो यहाँ पे, मतलब ठीक है लोग तो सामान दे जाते हैं बट उसको देने लायक तो हम बहुत कुछ उस पर मेहनत करते हैं, वो सडनली सब कुछ ख़त्म हो गया था। अब मैंने कहा देखो भाई हो गया हो गया, अब ये है कि कल से टीम दो तरह से काम करेंगी। एक टीम यहाँ काम करेगी जो इस मलबे में से अभी भी कुछ निकालने की कोशिश करेगी, यदि हम कुछ नहीं होगा तो सूजने के लिए कपड़ा निकालेंगे। दूसरी टीम 3 दिन तक काम करेंगे, 4th दिन हमारा पहला ट्रक जाना है जो भी बचा हम पे। और ऋचा मतलब हम लोग रोए जब वो ट्रक 4th दिन यहाँ से निकला, लेकिन वो ट्रक फुल लोड, और एक ट्रक का मतलब 400-500 फैमिली किट होती हैं, वो आसान काम नहीं है, बट टीम का वो जज्बा था। आज भी टीम में आप कभी भी उस आग को लेके बात करेंगे तो रो पड़ेंगे, क्योंकि किसी ने हमने सिर्फ सुना था ऐसी आग के बारे में। तो हम लोग बस वही हैं, हम लोगों को लगता है कि हम बड़े किस्मत वाले हैं कि ऊपर वाले ने कुछ हमें एक डायरेक्शन दे दिया और एक ड्रीम दे दिया, तो अब एक ज़िंदगी मिली है जीते हैं उसको। तो आज अगर मैं आपसे पूछूं कि गूंज कितना बड़ा है और गूंज का परिवार कितना बड़ा है? हम करीब आज फॉर्मली 900 लोग हैं, बट परिवार तो बहुत बड़ा है, इतने वॉलंटियर्स हैं और वेलविशर्स की कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शायद एक चीज़ जो गूंज कर पाया है वो ये प्रूव कर पाया है कि वॉलंटियरिज्म का मतलब सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने वाले शहर के लोग नहीं हैं, इस देश का असली वॉलंटियर गाँव में भी बैठा है। तो हम उन हज़ारों लोगों को, उन लाखों लोगों को इकट्ठा कर पाए हैं जो आज वॉलंटियर हैं, जो क्लॉथ फॉर वर्क में पहली बार भले ही एक किट के लिए बात करते हों, बट उसके बाद जब वो 100 मीटर की सड़क को 500 मीटर बनाते हैं तो वो अपनी कोशिश से, अपनी ताकत से, अपनी अकल रिसोर्स से बनाते हैं, वो श्रमदान उनका है। कितने गांव तक पहुँच है आज आपकी? देखिए हर साल हम लोग कम से कम 4-5 हज़ार गाँव तो टच करते ही हैं। चलिए एक बहुत स्पेशल मैसेज आपके परिवार के एक बड़े वेलविशर हमेशा से रहे हैं, उन्होंने भेजा है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो वो काम करते हैं और जिंदगी बिता देते हैं जिनमें दुनिया की कोई रुचि नहीं है, जिसको दुनिया महत्वपूर्ण नहीं समझती। अंशु गुप्ता भी ऐसे ही एक बड़े अजीब इंसान है जिन्होंने वो रास्ता चुना जिस पर शायद दुनिया पहले कभी हंसती होगी, ये कहती होगी कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन शुक्र है कि अंशु गुप्ता जैसे अजीब इंसान है जिनकी वजह से हमारी हवा, हमारा पानी, हमारी नदियां, हमारा आत्मविश्वास कुछ न कुछ बचा हुआ है। अंशु का काम लाखों लाखों लोगों तक पहुंचता है, मुझे बहुत प्रेरणा देता है। ही इज ट्रूली रियली इंस्पायरिंग फॉर मी। बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, लेकिन मुझे प्रेरणा देते हैं वो, और उनका काम जिस तरह से जिंदगियां बदल रहा है
ऐसे लोगों की जिंदगियां जहां तक जिन तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे, जिनसे हम कभी मिल नहीं पाएंगे, जिन तक सरकारों, मीडिया, इन सब की पहुंच कभी नहीं हो पाएगी, उन लोगों की जिंदगियां अंशु बदल रहे हैं और लगातार खामोशी से हाशिए पर रहते हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे अजीब लोगों को, ऐसे खूबसूरती से काम करने वाले अतरंगी लोगों को जो हमें हर रोज नया कुछ सिखाते हैं, उनसे रोज नया कुछ सीखें और अपनी जिंदगी में जो भी हम कर रहे हैं उसमें उसको कहीं ना कहीं शामिल करें। तो अंशु गुप्ता, इसी तरह से अपनी फितरत बनाए रखिएगा, ऐसे ही अजीब रहिएगा, ऐसे ही अलग रहिएगा, और अपना रास्ता जिस तरह से आपने बनाया है ऐसे ही हजारों हजारों और लोगों को इस सफर में शामिल करते रहिएगा जैसे आप अभी कर रहे हैं। तो ऋचा, आई थिंक ये कमाई है हम लोगों की, ऐसे 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 दोस्त होना, ऐसे वेलविशर होना, और पागलों की जमात है ना। तो आप हमेशा, आपको अच्छा लगता है जब अपने जैसे बहुत सारे लोग कहीं दिखते हों, तो ये पागलों की जमात है। ये कमाई है। मैं चाहूँगी आप अपना ये पागलपन सारी ज़िंदगी बरकरार रखें और बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते रहें। थैंक यू सो मच अंशु हमसे बात करने के लिए, एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। गूंज का काम इतना बड़ा है कि उसको एक शो में समेट पाना नामुमकिन है। हजारों गांवों के लाखों लोगों को सम्मान के साथ रोजगार देना, पुराने सामान से नई जरूरतें पूरी करके पर्यावरण को बचाना, गांव की महिलाओं तक सैनिटरी पैड्स पहुंचाकर उनकी जान बचाना, और बाढ़ हो या सूखा, हर आपदा में सबसे पहले पहुंचकर सबसे आखिर तक लोगों के काम आना, ये है गूंज का सार। वाकई जैसे कि अंशु गुप्ता ने कहा, गूंज एक सोच है, और आज हम यही दुआ करेंगे कि गूंज की गूंज पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैले। अगर शुरू कर सकते हो अकेले और बढ़ने के लिए नहीं ढूंढोगे सहारा, तो यह जगह तुम्हारी है। अगर भरोसा है खुद पर और अविश्वास नहीं है जग पर, तो यह जगह तुम्हारी है। अगर चल सकते हो अनथक और छाओ का इंतजार नहीं है, तो यह जगह तुम्हारी है। अगर भूख लगे और याद आए भूखा, और प्यास पर तालाब एक सूखा, तो यह जगह तुम्हारी है। अगर आंख नहीं है पर दृष्टि है, तन का एक भाग नहीं है पर मस्ती है, तो यह जगह तुम्हारी है। अगर नहीं चाहते आग लगाना और चिंगारी है एक मकसद, तो यह जगह तुम्हारी है। अगर नींद से प्यारा है सपना और जिद के साथ ले सकते हो जोखिम, तो यह जगह तुम्हारी है।